प्रॉब्लम देखिए ये है कि एक बार मैं एक एरोप्लेन पे जा रहा था तो एक फिल्म प्रोड्यूसर से मैंने कहा आप क्यों ऐसी फिल्म बनाते हैं जो बिल्कुल कोई सोशल रिलेवेंस नहीं है। बोले कि देखिए साहब, हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम यहाँ कुछ सोशल सर्विस करने आए नहीं हैं, हमें ऐसी फिल्म बनानी है जो खूब लोग देखने आए। अच्छा, तो जैसे मैंने कहा, लोगों का माइंडसेट बहुत बैकवर्ड है इंडिया में, उनको ऐसी फिल्मों में मज़ा आता है, ऐसी फिल्म देखने जाएंगे जिसमें चीप चीप थ्रिल्स और सेंसेशंस हों, पठान, कश्मीर फाइल, इस तरह की फिल्म देखने में बड़ा मज़ा आता है, भीड़, उमड़ उमड़ के भीड़ जाती है। तो इसलिए जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बना, दे आर बिजनेसमैन, दे आर देयर टू मेक मनी। और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, देखिए फिल्म प्रोड्यूसर जो है उसको देनी पड़ती है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और डिस्ट्रीब्यूटर फिर देता है सिनेमा हॉल को। तो डिस्ट्रीब्यूटर आपकी फिल्म लेगा ही नहीं अगर उसमें कोई उसको ये लगे कि ये लोग देखने नहीं आएंगे। तो बट देर कैन बी फिल्म्स विच प्रोवाइड एंटरटेनमेंट बट ऑल्सो हैव सोशल रेलिवेंस। जैसे राज कपूर की फिल्म लोग देखने आते थे, सत्यजीत रे की फिल्म देखने आते थे, चार्ली चैपलिन की फिल्म देखने आते थे, आइजेनस्टाइन की फिल्म देखने आते थे, तमाम ऐसे बड़े फेमस डायरेक्टर्स थे जिनकी फिल्में लोग देखने आते थे। तो ऐसी फिल्म बनाइए विच कंबाइंस बोथ एंटरटेनमेंट एंड सोशल पर्पस। अगर आप सिर्फ सोशल पर्पस के लिए बनाएंगे विद नो एंटरटेनमेंट तो लोग नहीं देखने आएंगे, बट यू कैन कंबाइन द टू, जैसे राज कपूर वगैरह ने किया कि उनकी फिल्म, आप तो पैदा भी नहीं हुई थी, मैं अब 77 का हो गया हूँ, मेरे जवानी में ये बहुत पॉपुलर फिल्म थी, बड़ी भीड़ आती थी देखने, 3420, आवारा, जागते रहो, बहुत चली ऐसी फिल्में, बड़ी चली। या सत्यजीत रे की, वो तो बंगला में थी तो बंगाल में बहुत चली। तो ऐसा नहीं कि जिन फिल्मों में सोशल रिलेवेंस है वो चल नहीं सकती, उनको आप एंटरटेनमेंट से भी आप कंबाइन कर दीजिए और तब प्रेजेंट करिए। तो ऐसा बनाना चाहिए जिसमें एंटरटेनमेंट भी हो ताकि लोग देखने आए, मगर साथ साथ सोशल रिलेवेंस भी हो। देखिए आजकल, आज ये मुल्क बड़ी मुसीबत में चल रहा है, हिंदुस्तान में बड़ी भारी भीषण समस्याएं आ गई हैं, गरीबी की, बेरोजगारी की, महंगाई की, और चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन, हर दूसरा बच्चा भारत में कुपोषित है, एवरी सेकेंड चाइल्ड। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप गूगल में देख लीजिए कि हाफ ऑफ आर चिल्ड्रन आर मैल नरिश्ड, वेस्टेड, स्टंटेड, खाने को नहीं मिलता है हर दूसरे बच्चे को। 57% ऑफ आवर विमेन आर एनेमिक। आप भी लेडी हैं, आप भी औरत हैं, आपको मालूम है 57% इंडियन विमेन आर एनेमिक, यानी उनके ब्लड में आयरन नहीं है। हेल्थ केयर का क्या हाल है? अब मैं यहाँ दिल्ली के पास नोएडा में रहता हूँ, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, विच इज रिगार्डेड वन ऑफ द प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट इन इंडिया। वहाँ जाइए आप, लगेगा रेलवे स्टेशन पहुँच गए, हजारों लोग बैठे बेचारे, कोई उनको पूछने वाला नहीं, कोई वहाँ डॉक्टर नहीं, घंटों बैठे रहते हैं बेचारे बीमार लोग, गरीब लोग। हाँ, रिच पीपल के लिए बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल हैं दिल्ली में, जैसे अपोलो है, मैक्स है, मेंडी सिटी है, बटराज है, बड़े जेपी है, बड़े, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव, गरीब आदमी जा नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये बड़ी भीषण समस्या है देश के सामने है। तो हमारा जो कला है जिसमें फिल्म भी आती हैं, लिटरेचर भी आता है, दे शुड हैव सोशल रेलिवेंस। जैसे शरदचंद चट्टोपाध्याय की आप स्टोरी पढ़िए, प्रेमचंद की पढ़िए, काजी नजरुल इस्लाम की पोइट्री पढ़िए, और उर्दू में तो बहुत सोशल रेलिवेंस है, जैसे फैज़ की पोएम थी हम देखेंगे, आपने
सुनाओगे जो हम, यानी वो पाकिस्तानी थे, यहाँ आईआईटी के लड़कों ने गाया जब उनका प्रोटेस्ट हो रहा था। मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उर्दू पोइट्री में बहुत सोशल रिलेवेंस है, बड़ा, इट इज़ अ पोइट्री ऑफ प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस, अगेंस्ट द एफ्लिक्शन ऑफ द कॉमन मैन, आम आदमी पे जो मुसीबतें हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठती है उर्दू पोइट्री में, तो बड़ी महान कविता है। तो इसी तरह सारा जो कला है, या जैसे आपने मैक्सिम गोर्की का नाम सुना है, ही वॉज अ वेरी ग्रेट रशियन राइटर, उसकी जो नॉवल थी मदर, या उसकी पोएम है सॉन्ग ऑफ द स्टॉमी पेट्रल, सॉन्ग आप नोट कर लीजिए, सॉन्ग ऑफ द स्टॉमी पेट्रल, उस पर मेरा आप टाइप करिए जस्टिस काटजू, सॉन्ग ऑफ द स्टॉमी पेट्रल, PETREL, मेरा आर्टिकल पढ़िएगा। तो ही इंस्पायर्ड द रशियन पीपल एट, जब जारिस जमाना था, जब जार रूलर थे, बड़े जालिम रूलर थे रशिया के, उस जमाने में वो जनता के लिए लिखता था, ग्रेट ग्रेट राइटर ऑफ रशिया मैक्सिम गोर्की। तो हम लोग को तो ऐसा साहित्य चाहिए, ऐसी फिल्में चाहिए, ऐसी कला चाहिए जो कि जनता के जो संघर्ष है, जन संघर्ष, ये सारी समस्याओं के विरुद्ध, और सारी जो संस्थाएं जो जनता को दबाती हैं, प्रताड़ित करती हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए कला और साहित्य, मगर ये बहुत कम हो रहा है। मैंने आज के ज़माने में शायद ही देखा है, जो राइटर्स लिखते हैं वो पैसा बनाने के लिए लिखते हैं, फिल्म्स जो बनाते हैं पैसा बना, उनको कोई जनता से हमदर्दी नहीं है, कोई वास्तविक हमदर्दी नहीं है, वो बस पैसा बना, है पैसा, है पैसा, सबसे बड़ा रुपया न बीबी न मैया, ये उनका मान्यता है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ आर्टिस्ट और फिल्म मेकर्स, राइटर्स, दे आर ओनली बॉदर्ड अबाउट मेकिंग मनी, टू हेल्प विद द कंट्री, जन देश जाए चूल्हे में, कंट्री कैन गो टू हेल, बट आई शुड मेक मनी एंड बी कंफर्टेबल विद माई फैमिली। हाँ, माई बेस्ट विशेज आर विद हाइपेशिया, एंड आई एम श्योर यू विल ऑल डू अ ग्रेट जॉब एंड बी ऑफ ग्रेट सर्विस टू इंडिया।